ले ले टाइम ले ले, वैसे इतना भी नहीं कि मेरी बहन की जान पे बनाए और दुनिया का दी एंड हो जाए। चलो देखते हैं क्या होता है। लगी शत 50 की, उसको सीधा चेहरे पर घुसा पड़ेगा। लगी जोना, तू जानता है तुझे क्या मिलने वाला है? मार। देखा, जीत गया ना मैं। तुझे इतने सालों बाद याद आई, तेरा चेहरा हर न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है। तेरी यहाँ जरूरत नहीं है, दाद देता हूँ तेरी बेशर्मी की। 25 साल बाद तू यहाँ पर लौट रहा है और साथ में अपनी मुसीबतें लेकर आया। इस घर के अंदर तूने परिवार को धोखा दिया, घर को कलंक लगाया, खुद के खून को धोखा दिया। समझता क्या है तू खुद को? जोना, तेरा गुस्सा जायज है, पर अब हम बच्चे नहीं रहे, जबान संभाल के बात कर मुझसे। लड़ने वाले का कद मायने नहीं रखता, उसका जिगर मायने रखता है। नहीं, कद हमेशा मायने रखता है। ए, घर में कोई झगड़ा नहीं हा? क्या ये मेरा लुक है? अरे मेरा बच्चा घर आ गया। हे मामा। ओ, मुझे मेरे लड्डू की बहुत याद आई। जरा खुद को देख तो, सूख कर कांटा हो गया है। चल बैठ, कुछ खा ले। नहीं 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 मामा, टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। माफ करना जो मैं अपनी मुसीबत यहाँ ले आया। तुझे नहीं आना चाहिए था, अपने साथ क्या बखेड़ा लाया? देखो, मैं सच्चाई बताने आया। कौन सा सच? यही कि हम पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, हमें ऐसे लोगों ने फंसाया जिन्होंने एक खतरनाक वायरस बनाया। कुछ भी बात, अगर रोका नहीं गया तो पूरी दुनिया में फैल जाएगा, मारे जाएंगे हम सब, इस घर में मौजूद तुम सब, इस टापू पर मौजूद हर कोई और दुनिया की पूरी आबादी। जोना, मैं चाहता हूँ कि तुम इस मशीन को ठीक करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्तों की मदद करो और हमारे इस घर के इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा बनाओ। तुझे लगता है तू मुंह उठाकर यहाँ चला आएगा और हम सब भुलाकर तेरी मदद करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दुनिया की हो रही है, हल्के में मत ले इसे, हम मर सकते हैं। अच्छा है, तेरी मदद करने से तो मरना ही अच्छा है, धोखेबाज। सुनो, मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई को झेलना आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मुझे इस पे भरोसा है। ये मैं यहाँ लाया है क्योंकि इस जगह में कुछ ऐसा है जो दुनिया की किसी जगह में नहीं है। तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानता, ठीक है? चलो अब यहाँ से निकलो, अपने साथ मशीन भी लेते जाना, निकल जाओ, जाओ। जोना होब्स, बहुत हो गया, अपने भाई से तमीज से बात कर जोना। अगर इसे कुछ चाहिए तो हम इसे वो देंगे, अपनी थाली का खाना देंगे, अपने शरीर के कपड़े देंगे और इस टापू की हर चीज देंगे। और तुम सब कान खोल कर सुनो, यहाँ आए मेहमानों से इज्जत से पेश आओ, वरना अगर मेरी सट्टी तो मैं अपनी इस नई नवेली चप्पल से तुम सबके गाल लाल कर दूंगी। सुना तुम सबने? सॉरी, मैं ये मुसीबत यहाँ लाया मामा। लो, ये तेरा घर है, हम सामोन्स हैं, झेल सकते हैं हर मुसीबत को।